दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज डीएनएन की खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ। दर्शकों, हम अपने बातचीत के सिलसिले को डॉक्टर सुखम गिल के साथ आगे बढ़ाते हैं, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है, डॉक्टर सुखम गिल, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो आज हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं दर्शकों, वो बातचीत होगी आज की डेट में कुछ ही सालों के अंदर एक बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, और उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर, जिसको कि अक्सर हमारे जो मरीज होते हैं वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, सोचते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब उनका हाथ या कभी कभी दोनों हाथ बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद जहाँ तक हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, वो ये है कि अभी तक इसके किसी बहुत खास कारण का नहीं पता चल पाया कि ये बीमारी क्यों हो जाती है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स में कहते हैं कि ये बीमारी होती है, जनरली डायबिटिक पेशेंट्स इसका शिकार जल्दी हो जाते हैं आम इंसान के मुकाबले। इसी विषय में हम बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर सुखम गिल को आमंत्रित करा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर है, इसके प्रारंभिक जो चिन्ह हैं या जो प्राइमरी इंडिकेशंस हैं वो क्या होते हैं? नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। मतलब अगर आप अपने आसपास देखें तो किसी ना किसी घर में किसी ना किसी को फ्रोजन शोल्डर जरूर होगा। तो सबसे पहले अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है कि उसके कंधे में दर्द हो रही है, तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसको दो तीन नाम और दिए गए हैं, तो अगर आपका डॉक्टर कुछ भी इन दो तीन नामों में से कुछ भी कहता है तो आपकी कंडीशन सेम ही है। वो नाम है स्टिफ शोल्डर, अथीसिव कैप्सुलाइटिस, या फ्रोजन शोल्डर, या पेरीआर्थराइटिस शोल्डर। इनमें से अगर किसी भी तरीके का नाम आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो ये बातचीत आप सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इसमें एक पहला चीज, जब कंधे में दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है, तो जनरली पेशेंट्स हमारे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि वो न्यूरो वाले के पास जाएं, क्योंकि उनको लगता है नसों का दर्द है। कभी वो सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास जाएं, और कभी कभी वो जनरल फिजिशियन के पास भी चले जाते हैं। तो जाना किस डॉक्टर के पास चाहिए? जी, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलके इसका इलाज होता है, ठीक है। इस टीम में दो तीन जने आते हैं, उसमें से सबसे पहला जो है आपको जाना चाहिए ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर के पास, तो वो आपको एकदम करेक्ट गाइड करेंगे। उसके बाद आपको जाना चाहिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ठीक है, जो आपको इस बीमारी के साथ कैसे डील करना है वो आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके साथ अगर किसी को एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा कि डायबिटिक केसेस में ये ज्यादा होता है, तो अगर किसी की डायबिटीज भी है और फ्रोजन शोल्डर भी है, तो उनको अपने जिस भी डॉक्टर से वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ अपने डायबिटीज या कोई भी साथ की जो उनकी बीमारी है उसके साथ उनको फॉलो अप रखना है। तो दर्शकों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे कंधे में दर्द शुरू होता है या कंधों में दर्द शुरू होता है, तो सबसे पहले हमें किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना है, और जो वो फर्दर एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर हमें देखेगा तो वो अपने आप ही पहला प्रश्न ही उनका यही होता है कि क्या हमें डायबिटीज है या और कौन कौन सी मल्टीपल डिजीजेस उसके साथ हमें हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ। उस केस में जैसा कि डॉक्टर सुखम गिल ने बोला कि हमें सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, और आगे का रास्ता डॉक्टर खुद क्लियर कर देते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी डायबिटीज का या अन्य बीमारियों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें एक बार उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका फ्रोजन शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, एक होता है सेकेंडरी। जो तो सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी की कंधे के आसपास के एरिया में कभी कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है, जैसे फीमेल कोई और रहा है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन है वो फ्रोजन शोल्डर के रूप में आ गए। उसके अलावा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या थायराइड है, या फिर उसको कोई चोट लगी है या स्पोर्ट्स इंजरी है, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गठिया है, तो उन सब की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है।
लेकिन जो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है उसका कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया अभी तक, वो बिना किसी कारणवश भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई तकलीफ या बीमारी हो इसीलिए होता है वो। और सबसे पहला इसकी पहचान क्या होती है, जैसे एक पेशेंट है जनरली ये किस स्टेज पे आकर के पकड़ा जाता है कि प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है? इसके सबसे पहले जो पहचान होती है वो होती है कंधे में दर्द होना। जी। जो कंधे की दर्द है वो पेशेंट को ज्यादातर तब महसूस होती है जब वो रात को सो रहे होते हैं, तो नाइट पेन जो है वो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है पेन का, कंधे की दर्द का। जब ये बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे पेशेंट नोटिस करने लगता है कि उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो रही है, तो वो शोल्डर्स से अपनी प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं कर पाते, मूवमेंट कम हो जाती है, दर्द भी होती है मूवमेंट भी कम होती है। उसके बाद बढ़ता जाता है तो फिर क्या है, दर्द कम हो जाती है लेकिन मूवमेंट बंद हो जाती है, मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। हाँ जी। तो सबसे पहले ऐसे पता चलेगा आपको कि एक तो रात को दर्द होगी आपके कंधे में, या इस तरफ वजन लेके जब आप सोते हो, इस तरफ पासा लेके सोते हो साइड लेके, तो आपको दर्द महसूस होगी। और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जैसे आप कंघी करते हो, कॉम्बिंग या ड्रेसिंग, या स्पेशली पीछे की तरफ हाथ लेके जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहली इसकी पहचान ही है कि जब आपका हाथ पीछे की तरफ जाना बंद हो जाए तो ये फ्रोजन शोल्डर है। दर्शकों, ये बहुत ही ऐसे पहचान के चिन्ह बता दिए कि हम तुरंत समझ सकते हैं और उस बीमारी को, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज यही है कि वक्त रहते हुए इस चीज का इलाज शुरू कर लिया जाए। जो अक्सर देखा जाता है कि बीमारी तो हमें पता चल जाती है, लेकिन जब तक वो पता चलती है तब तक वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है कि हम बहुत मुश्किल में खड़े होते हैं और हमें टाइम लग जाता है रिकवरी में। तो जो पहले चिन्ह डॉक्टर साहब ने बताए हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ध्यान से सुन लिए होंगे, एक हाथ का पीछे जाना बंद हो जाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पेन जरूर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है लेकिन मूवमेंट उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज, जो दवाइयां हैं वो तो खैर हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन देते ही हैं, इसके बाद एक अहम रोल, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या डॉक्टर्स हो, वो सब यही कहते हैं कि इसमें एक्सरसाइज करना या फिजियोथेरेपी करवाना एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसके थ्रू हम इससे बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमारी किसी दवा से इसका कोई ट्रीटमेंट हो पाए। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो ये फ्रोजन शोल्डर डिजीज है ना, ये 2 से 3 स्टेजेस में होता है, तो आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने आप से किसी दोस्त की सलाह से या किसी रेंडम वीडियो से देख के अपने आप से एक्सरसाइज मत शुरू कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन से स्टेज में है। जी। कई बार ये होता है कि आप गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज्यादा जोर से कर लेते हैं तो आप और परेशान होते हैं, इसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जब आपका स्टेज 1 होता है, जिसे हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, उसमें दर्द बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, तो वो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस उस फेज के दौरान करनी। उसके बाद जो सेकंड फेज होता है आपका फ्रोजन स्टेज जो होता है, उसमें आपकी पेन थोड़ी सी कम होने लग जाती है, मूवमेंट भी कम होने लग जाती है, तो सेकंड और थर्ड स्टेज में फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपकी जो मूवमेंट रुक गई है उसको ओपन करने में हेल्प करती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपको एक तो अपने आप से भी एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आपकी कंडीशन थोड़ी सी हेल्प होगी आपकी पेन रिड्यूस होने में और मूवमेंट गेन होने में। उसके अलावा आपको घर पे कैसी एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी ड्यूरेशन में करनी है, कितनी रेपिटेशंस करनी है, इन सब चीजों का भी वो पूरा आपका होम का फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल बना के देंगे, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। एक अक्सर जनरली होता क्या है कि जब दर्द होता है बंदा अपने आप से बड़ी सारी चीजें ट्राई करना शुरू कर देता है, कभी ठंडे पानी से उसको अपना आइस रख लिया, आइस पैक कर लिया, कभी उसने हीट पैक ले लिए, क्या ये सारी चीजें करने का कोई फायदा होता है? चलो फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या इनका कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, हर इंसान अलग है और हर इंसान की तकलीफ या उसकी कंडीशन दूसरे इंसान से अलग होती है, तो उस वे में जो किसी और के लिए अच्छी साबित हुई है कोई ऐसा नुस्खा, वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। Okay. हो भी सकता है सही हो, नहीं भी हो सकता, मतलब ये कंप्लीटली दर्शकों अंडर
स्ट्रिक्ट गाइडेंस ही करना है। हमने अंदाजा नहीं लगा लेना कि हमें अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया, डॉक्टर ने बता दिया है, तो हम अपने मन से कोल्ड ट्रीटमेंट शुरू कर दें या हीट ट्रीटमेंट शुरू कर दें। बेहतर होगा कि बीमारी को बढ़ने से बचाने के लिए एक अच्छी परामर्श लें, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे गाइडेंस लें। एक चीज डॉक्टर साहब और जो इसमें देखी गई है पेशेंट्स के साथ, वो ये देखी गई है कि वो बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 2 महीने से लेकर के 2 साल तक का रिकवरी टाइम लेती है और ये बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड है, कहना आसान है। और क्योंकि जब इतना लंबा समय है तो इसका एक कारण ये भी होगा कि जब रिकवरी भी होती होगी तो पेशेंट को वो फील नहीं होती होगी। ये तो इस बीमारी का तो ऐसा है कि कई बार पेशेंट को डिप्रेशन भी हो जाता है क्योंकि रिकवरी में काफी टाइम लेता है। इसकी रिकवरी 100% हो जाती है मोस्टली केसेस में। कुछ परसेंट लोग हैं जिनको अन्य प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसकी वजह से हल्की फुल्की रिकवरी उनकी रह जाती है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसेस में इसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसकी रिकवरी होने का जो समय है वो निश्चित नहीं होता, किसी में 2 महीने में भी फर्क पड़ जाता है, कईयों को 2 से 3 साल भी लगते हैं, कईयों को कुछ अमाउंट के मूवमेंट में, कुछ कुछ मूवमेंट्स में काफी देर तक दिक्कत रह जाती है। हाँ जी, तो वो एक तो दर्द होना, ऊपर से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको साइकोलॉजिकली काफी डिप्रेस करती है चीज। तो इसलिए भी आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपलिफ्टेड रखें, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से सही सलाह फॉलो करेंगे तो आपको 100% फर्क पड़ेगा। और हम ये सोचते हैं कि बीमारी जिस तरीके से एक क्षण में आई है उसी तरीके से वो बीमारी उसी क्षण में चली जाए, जो कि संभव नहीं होगा। हर बीमारी का अपना एक समय है, एक अवधि है, वो लेती है रिकवरी में। और खास करके जो ऐसी बीमारियां जो जॉइंट से संबंधित होती हैं उनमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी अगर डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ जल्दी रिकवरी के चक्कर में थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा दें, हो सकता है हमें लगता है कि हम जल्दीबाजी करके जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक होने के बजाय हमें उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो दर्शकों, हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खास करके ऐसी बीमारियां जिनके लिए कोई अभी तक स्पेसिफिक दवाइयां नहीं है। हाँ, पेन किलर्स हैं, वो हमें थोड़ा सा टेम्परेली रिलीफ दे देती हैं, हमें आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो जो इसकी रेमेडी है वो यही है कि हमें सबसे पहले सबर रखना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारी ऐसी एडवाइजेस भी डॉक्टर साहब दे दी जाती होंगी कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आप ये करवा लीजिए, तो वो भी मेरे ख्याल से दर्शकों, हमें कोई भी बीमारी अपना पेशेंस और जो हमारी हिम्मत है अगर हम उसको कंबाइन करके चलते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। डॉक्टर सुखम, कोई एक ऐसी बेसिक एक्सरसाइज जो इसके लिए होती हो? जी, बहुत ही सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं। वो है कि आप जैसे सिंपल अपनी बाजू को सामने से ऊपर लेके जाएं, दीवार के ऊपर से सामने से ऊपर आराम से धीरे से जहां तक आपकी जाती है जी। फिर आप कोशिश कीजिए कि साइडवेज आप उसको ऊपर लेके जा सके, ठीक है। और एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती है जिसे पेंडुलर एक्सरसाइजेस कहते हैं जी। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपकी हर स्टेज में सेफ है। Okay. मतलब आप किसी भी स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर में हैं, कुछ एक्सरसाइजेस है जो सेफ है जो आप कर सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, एक लोगों का मिथ है कि इसमें आप आर्क लैंप, जो हमारा इंफ्रारेड लैंप होता है, उसकी सिकाई कर लीजिए, उससे आराम मिल जाएगा, ये कर लीजिए। तो आर्क लैंप की सिकाई या इंफ्रारेड जो लैंप होता है उसकी सिकाई के साथ, हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को पता जरूर होना चाहिए कि उसके साथ बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि आप किस स्टेज में, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इस फील्ड को बिलोंग नहीं करते, आपको बस दर्द पता है जी। तो किस स्टेज में हमें आइस लेनी है, किस स्टेज में हमें गर्म लेना है, किस स्टेज में हमें लैंप लेना है, फिर जो लैंप है वो घर के लिए आप कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो, या आप किस एंगल पे रख रहे हो, या आप कितने मिनट के लिए ले रहे हो, इन सब चीजों के बारे में आपको ज्ञान इतना नहीं होता है, तो उस चक्कर में कई बारी जो है मरीज अपना नुकसान कर लेता है, फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको जो भी है, आइस, हीट, लैंप, जो भी है, हर किसी का फायदा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के पर जो डिजीज का समय है ना, उस समय पर अगर हम एग्जैक्टली वही चीज दें, अगर आइस की जरूरत है आइस दें, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और कितने टाइम के लिए लेना है वो सब आपको आपके
आपकी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करेंगे। दर्शकों, इंफ्रारेड रेस की जो सिकाई है, जो हीट दी जाती है, ये फायदा भी करती है और इसके कुछ एक नुकसान भी हैं। तो इसको अपने हिसाब से या कोई भी दवाई या ऐसी चीज अपने आप प्रयोग ना करें कि वो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान दे जाए और एक ट्रीटमेंट और हमें साथ में शुरू करना पड़ जाए। जो बेसिक कारण है वो डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर कर लिए। कैसे हमें पता चल सकता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे कि हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है, हमारे को ये तकलीफ होना शुरू हो गई है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर साहब, इसके साथ एक ही बहुत ही जुड़ी हुई बीमारी है जिसको कि हम स्पंडिलाइटिस कहते हैं, सर्वाइकल स्पंडिलाइटिस। क्योंकि जब ये दर्द होता है तो शायद लोगों को गर्दन में भी दर्द महसूस होता है, शोल्डर के अपर पार्ट में भी होता है, तो वो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? देखिए, ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये सर्वाइकल स्पॉन्टिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है और इसका रिवर्स भी है। फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्टिलाइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या है कि फ्रोजन शोल्डर में आपको अपने सर के पीछे से लेके फिंगर के टिप तक कहीं पे भी दर्द महसूस हो सकती है और सिमिलरली सर्वाइकल स्पॉन्टिलाइटिस में भी होता है। तो ये खुद से डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है आपको एक बारी, तो आपको अपनी सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जो है मूवमेंट हो नहीं पाती है। तो आप उस चक्कर में क्या होता है कि हम जो अपने नेक के मसल्स हैं ना, उनको ओवर यूज़ कर लेते हैं। जो मूवमेंट हमारे कंधे के मसल्स नहीं कर पाते, वो मूवमेंट हम कोशिश करते हैं अपने नेक के मसल से करें। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मली हाथ उठाते हैं तो ये हमारा हाथ ऊपर उठ जाता है, लेकिन किसी को फ्रोजन शोल्डर होएगा तो उसका हाथ इतना उठेगा ना, तो बाकी वो अपने नेक के मसल्स को या बैक के मसल्स को यूज करता है। तो उस वजह से कई बार आपको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं भी होती है लेकिन हो जाती है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपनी पोस्चर और एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना सोने का तरीका फ्रोजन शोल्डर में भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जितना अपने अफेक्टेड साइड, जिस कंधे में आपको दर्द है उस कंधे की तरफ अगर आप पासा लेके सोते हैं तो आपको दर्द बढ़ती है। वो दर्द आपकी फिर कई बार नेक में और सर में भी चली जाती है और आपकी नस भी दबने लग जाती है। तो नस दबने की वजह से आपको थोड़े बहुत सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे मिलते जुलते जो है लक्षण दिखने लग जाते हैं। हाँ जी, तो इसलिए आप जो सोना है, आप जब आपको एक तरफ का फ्रोजन शोल्डर है तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ आप पासा लेके मत सोइए, दूसरी तरफ आप टर्न लेके सोएं। और इसकी भी प्रॉपर पोजीशनिंग है जिसकी भी फोटो मैं आपको इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। जो प्रॉपर पोजीशंस है आप फ्रोजन शोल्डर में यूज करिए, सोने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। दर्शकों, ये हमारी बहुत ही मुख्तसर सी छोटी सी बातचीत थी और उस छोटी सी बातचीत में हमने प्रयास करा कि जितने भी संबंधित चीजें हो सकती हैं फ्रोजन शोल्डर से लेकर, हम आपके साथ उनको इस चर्चा में शामिल कर लें। और हमारा प्रयास यही रहता है न्यूज़ डीएनएन की तरफ से कि हम जो भी चीज़ आप तक पहुंचाएं वो इतनी प्योर हो और उसमें कोई ज़्यादा हम स्पेशलिटी ना डालें, बिल्कुल सीधे सरल तरीके से हम आपको बता दें कि क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। और बाकी कोई भी बीमारी है तो बेहतर है कि हम उसके विशेषज्ञ डॉक्टर से या जो टीम पूरी काम करती है उसके साथ सलाह लें और उस बीमारी का हल ढूंढें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। जो डॉक्टर सुखम ने हमें जानकारी दी है इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर के बारे में, स्पंडिलाइटिस के बारे में, वो आपके काम आएगी। क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या एक्सरसाइजेस छोटी मोटी जो हमें करनी चाहिए वो हम सब आपके साथ इसमें शेयर करेंगे। डॉक्टर सुखम, आपने समय निकाला, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.